साथ रेलवे लाइन बिलासपुर में, रेलवे लाइन ऊना में, फोर लेन हाईवे अब मटौर हमीरपुर बिलासपुर शिमला ये मंजूरी होगी। काम तेजी के साथ चल रहा है। बिलासपुर जाने में आपको 3.5 घंटे लगते थे, अब आपको 1 घंटा 45 मिनट लगेगा यहां से शिमला जाने में, केवल 1 घंटा 45 मिनट। कई लोगों को विश्वास नहीं होता होगा, एक बार जरा बघेड़ से कीरतपुर साहब वाली सड़क पर चले जाओ, पहले 3 घंटे लगते थे, आज 35 मिनट में हम लोग वहां पहुंच जाते हैं। है सामने, हुआ कि नहीं हुआ? पूरा ट्रैफिक जो ऊना से होकर गुजरता था अब हमारे इस तरफ से बिलासपुर बघेड़ होकर जाना शुरू हो गया। ये बदलाव आ रहा है। किराया बस का यहां से ऊना की तरफ से जाते थे तो 75 पे ज्यादा लगता था, यहां से 75 पे कम लगता है। और जब आपकी ट्रेन शुरू हो जाएगी भाई साहब, तो शायद चंडीगढ़ जाने का कुल किराया आपको 75 रुपया देना पड़े, 374 रुपये नहीं देना पड़ेगा, 75 रुपये देने पड़ेंगे शायद। ये बड़ा बदलाव है। ये कब हो रहा है? मोदी राज में बदल रहा है। सरकारें तो हमसे पहले भी थी, जब हम केंद्र में लूट के चले गए था सारा खजाना, लूटा था नहीं लूटा था कांग्रेस की सरकार, लेकिन मोदी ने आके सरकार का खजाना कैसे भरा मैं आपको बताता हूं। $600 बिलियन के लगभग आज देश के खजाने में पड़ा है। $1 बिलियन मतलब कि 8,500 करोड़ रुपया, तो 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा उसमें पड़ा होगा। और यही नहीं, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। मोदी जी ने देश का पैसा भी बचाया तो देश को विकास की नई आयाम पर पहुंचाया। अब 10वें नंबर की नहीं, हमने अंग्रेजों को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन गया। अब कईयों को लगता है देश तो बढ़ गया मेरा क्या? आपको यह मिला भाई साहब, अगर देश की अर्थव्यवस्था बढ़ी तो ज्यादा पक्के मकान मिले, ज्यादा मुद्रा ऋण मिला बगैर गारंटी के मिला, ज्यादा स्वनिधि योजना में योजनाएं मिली, ज्यादा रोजगार के अवसर मिले, ज्यादा आपको सड़कें मिली, ज्यादा आपको अस्पताल मिले, ज्यादा आपको मुफ्त इलाज मिला। जितनी अर्थव्यवस्था बढ़ जाएगी उतनी ज्यादा आपकी आमदन प्रति व्यक्ति भी बढ़ती जाएगी। और अगर देश की आय बढ़ेगी, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, तो आपकी समृद्धता संपन्नता खुशहाली आप में और ज्यादा समाज में आएगी। तो आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? आवाज नहीं आई तो पेरे मजे लेकर रहे सारे सोलह टोल टक्की टक्की ने। आनी चाहिए समृद्धता संपन्नता की नहीं आनी चाहिए? कुछ कुछ जो लगा आनी चाहिए। आ चक्की ने दसा जरा कर, ये अपनी अपनी ताई जो दोनों परिवार आ रही तो दोनों आ चक्की ने दसा। कई हाथा नहीं खड़े खड़े तो नीली जैकेट वाले भाई साहब पीछे हाँ तो है हाथ एक थी हथा रविंदो के सूची ग्रह थी उपरा को चक्कर नहीं है। हाँ जे समृद्धता संपन्नता आनी चाहिए तो उसके लिए मोदी सरकार फिर एक बार आनी चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार आएगी तो साथ में मोदी की गारंटी भी आएगी। मोदी की गारंटी है कि 5वें नंबर से 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाएंगे, और 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बनते ही हमारे जीवन में खुशहाली और संपन्नता और आ जाएगी, हमारे देश का विकास और हो जाएगा, हमारे देश का डंका दुनिया में और बोलेगा। जैसे आज मोदी जी दुनिया के देशों में जाते हैं तो दुनिया भर के लोग कहते हैं हमें उम्मीद है, तो भारत से और भारत के नेतृत्व से उम्मीद, उम्मीद के सारे दुनिया चलती है। होप, आज दुनिया को होप उम्मीद भारत से है। और इटली की प्रधानमंत्री ने क्या कहा, मैं इटली की सोनिया गांधी जी राहुल गांधी इनके बारे में बात नहीं कर रहा जिनका इटली से भी रहता है, मैं इटली की प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं। इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, तो पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने मोदी के पांव छू के गले लगाया, स्वागत अभिनंदन किया, तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने तो कहा मोदी इतने लोकप्रिय है कि हमारे धर्मगुरु पोप से ज्यादा लोग
अगर राष्ट्रपति निवास में किसी से मिलने आए तो नरेंद्र मोदी से मिलने आए, और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा मोदी इज द बॉस, तो किसी देश के प्रधानमंत्री का कहना कि मोदी इज द बॉस, तो इसका मतलब हमारा भारत आज दुनिया में आगे बढ़ रहा है। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरी बहनें, मैं देख रहा हूं बड़ी सारी जिला परिषद की सदस्य, पंचायत की प्रधान, सब यहां पर बैठे हैं। ये इनको तब अवसर मिला जब प्रेम कुमार धूमल जी ने 50% आरक्षण पंचायती राज में दिया था। उन रोकने वाली तो आई नहीं फेरी। अब मेरी बहनों को अवसर मिले तो अपनी ताकत के बल पे, अपनी लोकप्रियता के बल पे, अपने कामकाज के बल पे 50% पे नहीं रुकी। आज 60% महिलाएं हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज में चुनकर आई हैं। तो हमने दिल्ली में भी मोदी सरकार ने नारी शक्ति बंधन बिल लाकर 33% आरक्षण महिलाओं को दे दिया है, जो 75 साल में किसी ने नहीं किया, वो नरेंद्र मोदी जी ने किया। अब ये नहीं पता अब आने वाले समय में किस बहन को विधानसभा में, किसको लोकसभा में अवसर मिलेगा, लेकिन जिसको भी मिलेगा सही मायने में आजाद भारत में और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में हमारी सबसे बड़ी ताकत यही होगी जब 33% से ज्यादा बहनें चुनकर संसद में या विधानसभा में बैठी होगी। ये भी सपना साकार करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कर दिया। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि आपने मुझे अपना सांसद चुना, मुझे भी वोट दबाने का, वोट देने का अवसर मिला, अपनी बहनों को वो आरक्षण देने का। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे भी उस लायक समझा कि मैं भी आपके लिए कुछ कर पाऊं। ट्रिपल तलाक हमने अपनी बहनों को, मुस्लिम बहनों को उससे निजात दिलाई। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से मुक्ति दिलाने के लिए, धारा 370-35A से मुक्ति दिलाने के लिए और उसको और भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने के लिए मोदी सरकार ने जो वायदा किया था हमने वो भी पूरा कर दिया। देश के हर कोने में तिरंगा लहराते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर में तिरंगे को पैरों तले कई जगह पे दबाने, कई जगह फाड़ने का काम होता था। आज कश्मीर की गली गली में तिरंगा झंडा लहरा रहा है, ये मोदी सरकार के कारण हो रहा है। यही नहीं मेरे भाइयों, ये हमारे जो पूर्व सैनिक बैठे हैं, वन रैंक वन पेंशन, ये केवल सोच ही थी। जिसको 3500 रुपया पेंशन नहीं मिलती थी, आज उसको 35,000 रुपए से ऊपर पेंशन मिल रही है। ये बड़ा बदलाव आज मोदी सरकार ने किया है। आज देश में रक्षा उपकरण बनाने का काम मोदी सरकार ने किया। 4,460 ऐसी प्रोडक्ट हैं जिनको विदेश से लाना बंद कर दिया। आज हिंदुस्तान की डिफेंस प्रोडक्शन, रक्षा उत्पाद, अपने देश में बनने वाले हथियार, बम, गोले, 1,00,000 करोड़ से ज्यादा की प्रोडक्शन हमने इस साल कर दी है और 20,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट, निर्यात करने का काम कीर्तिमान मोदी सरकार ने कर दिया है। मेरे भाइयों, हम दुनिया से हथियार लाते थे, अब दुनिया को देने की स्थिति में आ गए, ये बड़ी बात है। और यही नहीं, किसानों की आय को दुगना करने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। लागत प्लस 50%, ये हमने करके दिया है और मैं आपसे अनुरोध करता हूं 50% से ज्यादा ही दिया। कल परसों मिलिंग कॉर्पा और बॉल कॉर्पा, यानी कि नारियल की गरी जो होती है, उसके दाम हमने तय किए, तो वो भी लागत प्लस 62% इतना करके दिया। अब ये ड्रोन आप देख रहे हैं, एक तरफ ड्रोन है, दूसरी तरफ नमो दीदी है, तो नमो दीदी का काम ड्रोन उड़ाने का है। यानी कि जिस बहन को चुना जाएगा, हर क्लस्टर में से एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को चुन लिया जाएगा, उसमें से एक बहन को पायलट, एक को पायलट बनाया जाएगा, बाकी बहनें चाहें तो उनको रिपेयर का काम भी सिखाया जाएगा। तो जो पायलट के लिए ट्रेनिंग लेने वाली महिला होगी उसको 15,000 रुपया ट्रेनिंग तो मुफ्त में मिलेगी, 15,000 रुपया ट्रेनिंग के बाद ड्रोन उड़ाने के लिए उसको मिलेगा, और को पायलट को 10,000 रुपया मिलेगा। उस महिला समूह की आमदन भी 1,00,000 रुपए से ज्यादा हो, यह सुनिश्चित करने का काम किया है। 2,500 एकड़, यानी कि 25,000 कनाल जमीन, 2,500 हेक्टेयर है, 5,000 कनाल जमीन, यानी 2,500
हेक्टेयर, यानी कि 5000 एकड़, 5000 से ज्यादा एकड़ हो गए, तो हो गया 50000 कनाल से ज्यादा जमीन को सिंचाई करने का काम आप एक ड्रोन से कर पाओगे, इतनी क्षमता इसकी है। आप कल्पना करो, यानी कि जो आप हाथ से छिड़काव करते खाद का और कीटनाशक का, अब किसान को मेहनत करने की जरूरत नहीं, नमो दीदी को बुलाना और चंद घंटों के अंदर वो छिड़काव करके काम अपना पूरा करके दूसरे खेत का भी कर देगी, और पूरे गांव वालों को अगर एक साथ ही करना हो तो ड्रोन उड़ाती रहेगी, छिड़काव करती रहेगी, और जो खाद की बोरी आप 50 किलो की लेके ढोते हो वो लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 500 ml की इतनी सी बोतल नैनो यूरिया की, उसके छिड़काव से ही काम हो जाएगा जो 50 किलो की बोरी करती थी। किसान का खर्चा भी बचेगा, बहन की आमदन भी होगी, किसान को मुनाफा भी ज्यादा होगा। ये मोदी की गारंटी है, ये नया कर्नाटक का काम किया।